खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन, खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन। NCERT द्वारा प्रस्तुत है उमंग 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 उमंग। उमंग में अब प्रस्तुत है कार्यक्रम निमई और गौरांग। कौन गौरांग? हाँ आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा तो चलो खेलने चलते हैं। गौरांग आज बगीचे की तरफ खेलने चलेंगे। हाँ चले चलते। नहीं नहीं जरा रुको, चलो हम रेलवे लाइन पर रेलगाड़ी का खेल खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। रेलगाड़ी का खेल? हाँ इसी पटरी पर खेलते हैं, पर ध्यान रखना कहीं गाड़ी ना आ जाए। हाँ हाँ अब चलो, मैं बनता हूँ इंजन और तुम डिब्बा। ठीक है चलो मेरे पीछे मुझे पकड़ो। दोस्तों 12 वर्षीय निमई और 7 वर्षीय गौरांग तब ये नहीं जानते थे कि खेल खेल में ही अपनी सूझबूझ की वजह से वो एक महान कार्य कर देंगे। बहादुरी का ये साहसिक कार्य कैसे हुआ चलो सुनते हैं। दौड़ते दौड़ते थक गए, थोड़ी देर बाद घर चलेंगे। हाँ ठीक है, बस थोड़ी दूर और लौटते समय मैं बनूंगा इंजन और तुम डिब्बा। ठीक है, इस पटरी पर गाड़ी की तरह दौड़ते दौड़ते पैर में दर्द हो गया। हाँ निमई ये पटरी बहुत लंबी है ना। गौरांग इन्हीं पटरियों पर चलते हुए रेलगाड़ी हमें देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचा देती है। सचमुच, पर हम तो अभी अपने गांव में ही हैं। अरे निमई क्या ये हुआ? देखो ये रेल की पटरी। हाँ। अरे ये तो उखड़ी हुई है। हाँ गौरांग अभी तो गाड़ी आने का समय हो रहा है, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। अब क्या करें? मैं दौड़कर स्टेशन जाता हूँ। हाँ मैं स्टेशन मास्टर को बताऊंगा, वही गाड़ी रुकवा सकते हैं। हाँ ये ठीक है, पर अगर इस बीच गाड़ी आ गई तो? अरे बाप रे गाड़ी तो आ रही है, अब क्या हुआ? किसी भी तरह दुर्घटना होने से रोकना होगा। चलो उसी दिशा में दौड़ते हैं जिधर से गाड़ी आ रही है। हाँ हो सकता है ड्राइवर हमें देखकर गाड़ी रोक दे। हाँ ये ठीक है, लेकिन यदि उसने हमें कुचल दिया तो? कुछ नहीं होगा, गाड़ी तो रोकनी ही है, चलो दौड़ते हैं। हाँ चलो गाड़ी रोको गाड़ी रोको। अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको गाड़ी रोको, गाड़ी रोको गाड़ी रोको, पटरी उखड़ी हुई है गाड़ी रोको। अरे ड्राइवर साहब गाड़ी रोको, पटरी उखड़ी हुई है रोको। अरे रोको। गौरांग हाँ लाल झंडी दिखाने से गाड़ी रुकती है ना? हाँ लेकिन हम इतनी जल्दी लाल कपड़ा कहाँ से लाएंगे? अरे तुम्हारी कमीज तो है लाल रंग की। अरे वाह तुमने तो याद दिला दिया, मैं इसे उतार कर हवा में लहराता हूँ, शायद ड्राइवर समझ जाए। हाँ गौरांग जल्दी करो, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। अरे गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको। अरे देखो देखो ये, अरे ये पटरी पर इस तरह क्यों दौड़ रहे हैं बच्चे? अरे बड़े शैतान बच्चे हैं, अरे डरते भी नहीं। नहीं नहीं मुझे तो लगता है कोई बात है। क्या? हाँ हाँ मुझे भी लग रहा है। अरे वो देखो, अरे लाल कपड़ा भी लिए हुए हैं।
हाँ, लाल कपड़े को हवा में लहराते हुए दौड़ रहे हैं, जरूर कोई बात है। हाँ, मैं ब्रेक लगाता हूँ। क्या बात है, तुम दोनों इस तरह पटरी पर क्यों दौड़ रहे थे? हाँ, उधर रेल की पटरी उखड़ी हुई है ड्राइवर साहब। क्या है? अरे झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं? नहीं नहीं, नहीं हम सच बोल रहे हैं ड्राइवर साहब। आओ चल के देखते हैं। हाँ, चलो देखो। हाँ चलिए, वो देखिए कितनी दूर तक उखड़ी हुई है पटरी। अरे हाँ, सच्ची गाड़ी क्यों रुकी? इससे तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अरे इस बच्चे, तुम दोनों ने सैकड़ों लोगों की जान बचा दी। शाबाश शाबाश, धन्यवाद ड्राइवर साहब, तुमने बड़ी बहादुरी का काम किया। हमारा फर्ज था। क्या बात है, बहुत अच्छे बच गए भाई। दोस्तों, यूं तो रेल की पटरी पर नहीं खेलना चाहिए, है ना? परंतु जब कोई बहादुरी का कार्य करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। निमई और गौरांग को भी उनके इस असाधारण कार्य के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वीरता का बापू गयाधानी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। और अब अपनी असाधारण वीरता के लिए बापू गयाधानी राष्ट्रीय पुरस्कार लेने के लिए आ रहे हैं निमई और गौरांग।